हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पूजा फैशन बुटीक पे। दोस्तों आज मैं आपको ब्लाउज का डिज़ाइन बना के दिखाने जा रहा हूँ, ये काफ़ी अच्छा बनेगा। अगर हमारे चैनल में आप पहली बार हैं तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि जो हम नई वीडियो डालें वो आप तक पहुँचती रहे। तो दोस्तों चलते हैं मशीन पर और डिज़ाइन बनाना शुरू करते हैं। ब्लाउज को हमने कच्चा कर रखा है, अस्तर और कपड़े को अटैच कर लिया है एक साथ में। इसमें हम गला पहले सबसे पहले गले की कटिंग करेंगे, तो उसके लिए हमें लेना होगा पेपर पेस्टिंग। पेपर पेस्टिंग की चौड़ाई है 11.5 इंच। ये दोस्तों हमने फोल्ड कर रखा है इस तरह से, और पेपर पेस्टिंग की चौड़ाई है 11.5 इंच। इसकी लंबाई आपको अपने हिसाब से लेना है, ये वैसे हमने 12.5 इंच ले रखा है लंबाई। अब इसमें हम ब्रॉडिंग का निशान लगाएंगे, ऊपर से लगाएंगे हम 5.5 इंच पे इस तरह से, और नीचे लगाएंगे 6 इंच पे। अब इसे हमें निशान पहले सबसे पहले सीधा खींच देना है इस तरह से। गले का डीप नापेंगे 11 इंच, ये निशान भी हमें सीधा खींच देना है। अब इसमें हम गले की शेप देंगे, इसकी बिल्कुल गोल गले की शेप देनी है। दोस्तों इससे पहले गला कटिंग करें, हमें इधर 1.5 इंची चौड़ा चौड़ाई गले के हिसाब से निशान लगाना है। हम पूरे में पहले इस तरह से 1.5 इंची पे निशान लगा लेंगे, इसके बाद में हम गले को कटिंग करेंगे। हमें निशान लगा लिया है, अब हमें सबसे पहले बाहर के गले की कटिंग करना है। पेपर पेस्टिंग है ये, थोड़ा सा इसे आराम से कटिंग करें, बुकरम में तो आसानी से कट जाती है। ये देखिए थोड़ा बहुत अगर इसमें वो होता है तो इसे आप अच्छी तरह से इसकी गोलाई शेप दे दें। जो हमने गले की शेप दे दिया, अभी हम यहाँ से कटिंग करेंगे। तो हमने इस तरह से कटिंग कर लिया है, अब इसे हमें कपड़े में पेस्ट करना है, तो हम मैचिंग का कपड़ा लेंगे। तो दोस्तों इस तरह से हमने पेपर पेस्टिंग को पेस्ट कर लिया है, अब ये किनारे से कपड़े को भी हमने फोल्ड कर लिया है। तो गला हमारा कुछ इस तरह से हमने पेस्ट कर लिया, अब ये हमें ब्लाउज के पल्ले में पहले बना लेना है। तो गला बनाने के लिए मैं सबसे पहले ये ऊपर का धागा चेंज करना पड़ेगा। नीचे का हम सेम जैसा ब्लाउज है उसी कलर का लगा रहने देंगे, ऊपर का सिर्फ चेंज करना है। अभी हम जो ब्लाउज है, ब्लाउज का बैक पल्ला, इसे हम उल्टे की तरफ रखेंगे, उल्टा हमारा ऊपर की तरफ होगा और ये सीधा नीचे की तरफ। अब इसे हम बीच सेंटर से पहले अटैच करेंगे, तो इसमें हमें इस तरह से फोल्ड करना है गले को, और बीच सेंटर पर हम पहले कट लगा लेंगे इस तरह से। अब इसमें हमने बीच सेंटर में कच्चा लगा रखा है, तो मैं इसी पे बिल्कुल सेंटर पे सिलाई लगानी है। ऊपर से हम कंधे मिला लेंगे सही से। दोस्तों आपको बीच सेंटर अच्छी तरह से देख के सेंटर ही मिलाना है, सेंटर आउट ना होने पाए। अब इस तरह से सिलाई लगाने के बाद में हम बिल्कुल पेस्टिंग के किनारे से सिलाई लगाएंगे। पहले हम धागा कटिंग कर लेते हैं इस तरह से। तो इस तरह से हमने सिलाई लगा लिया है, अब एक पैर का दबाव रख के एक्स्ट्रा मार्जिन हमें कटिंग कर देना है। अब यहाँ पे हमें इस तरह से कट लगा देना है जहाँ से गला हमारा राउंड होता है या फिर नोक होती है, तो वहाँ हमें इस तरह से कट लगाने पड़ते हैं गला जब भी हमारा सही से बैठता है। अब इसे हमें इस तरह से अच्छी तरह से इसमें नाखून से साफ कर लेना है।
जब हम पलटेंगे तो फिनिशिंग से और पलटा जाएगा। और दोस्तों हम पहले इस तरह से फोल्ड करके हम लप पे सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से हमने सिलाई लगा लिया है, अब हमें बाहर की तरफ सिलाई लगा लेना है। तो इस तरह से हमने सिलाई लगा के गला पलट लिया है। अब दोस्तों इस एक पैटर्न हमें और कटिंग करना है, तो हम सबसे पहले वो पैटर्न कटिंग करेंगे, फिर इसमें डिज़ाइन बनाएंगे। हमें इसके बराबर से यहाँ से पेस्टिंग पहले कटिंग कर लेना है। तो हमने इसके बराबर की इस तरह से पेस्टिंग कटिंग कर लिया है। ये दोस्तों बिल्कुल बराबर होनी चाहिए यहाँ ब्लाउज के कमर से यहाँ तक, इस तरह से बराबर होगी। और इसे हमें इस तरह से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद में हम इसे हल्की सी इसमें प्रेस भी लगा सकते हैं, इससे क्या होगा कि ये बैठ जाएगी, इधर उधर नहीं हटेगी पेस्टिंग। अब यहाँ पे हमें इस तरह से निशान लगाना है, यहाँ पे नीचे हमारा 1.5 इंच चौड़ा रहना चाहिए। तो हमें पहले यहाँ पे निशान लगा लेना है नीचे, फिर उसके बाद में हमें शेप देनी है। तो इस तरह से हम रखेंगे यहाँ के दोस्तों 2 इंची चौड़ाई रखनी है हमें, 1.5 इंच की बजाय 2 इंची चौड़ाई रखें। अब इसी तरह से हमें निशान लगा लेना है 2 इंच चौड़ा। अब इसे हमें कटिंग कर देना है। तो इस तरह से हमने पैटर्न की कटिंग कर लिया है। अब इसे हमें रेड कपड़ा जो है हमारा उसमें इसे भी पेस्ट कर लेना है। हमने इस तरह से पेस्ट कर लिया है। अब यहाँ पे हमें एक पैर का मार्जिन रख के कटिंग कर देना है एक्स्ट्रा कपड़े को। और यहाँ पे हम इस तरह से कट लगा लेंगे। अब इसे भी हम प्रेस से इस तरह से हम इसे फोल्ड कर लेंगे। तो इस तरह से हमने प्रेस से इसे भी फोल्ड कर लिया है। अब दोस्तों सबसे पहले हमें इस तरह की पट्टी एक बना लेनी है। हम 1.5 इंची चौड़ाई कपड़े की कटिंग करेंगे और उसे एक पैर का दबाव रखते हुए, मतलब जिधर हम दबाव छोड़ेंगे एक्स्ट्रा में वो एक पैर का दबाव होगा, बाकी हमें कम से कम 1.25 इंची चौड़ी पट्टी पलट लेना है इस तरह से। ये देखिए 1.25 इंची चौड़ी पट्टी है। तो इस तरह से हमें पट्टी पलट लेनी है। अब सबसे पहले हम इसका गला बनाएंगे। अब गला बनाना है हमें, डिजाइन बनाना है हमें इसके बीच में। तो हम पट्टी को क्या करेंगे, इस तरह से लेंगे और इस पट्टी को हमें इस तरह से फोल्ड करना है। और इस तरह से फोल्ड करने के बाद में ये दोस्तों नोक अच्छी तरह से बननी चाहिए। और इसे फिर हमें इस तरह से फोल्ड करना है और इसे हम एक बार फिर इस तरह से फोल्ड करेंगे। इस तरह से इधर की नोक बनानी है और इसे हमें फिर इस तरफ से घुमा देना है। हम आपको बना के दिखाते हैं कि इस तरह से हमें बनाना है। हमने पहले पट्टी को इधर से पकड़ा और इधर इस तरह से फोल्ड किया और नीचे वाली पट्टी को हमें इस तरह से फोल्ड करना है। अब हम पहले सिलाई लगाते हुए इसे अटैच करेंगे। अब हमें सबसे पहले ऊपर का धागा चेंज कर लेना है, सेम पट्टी के जैसा धागा हमें लेना है। और धागा चेंज करने के बाद में हम पट्टी को एक बार इस तरह से पहले फोल्ड कर लेते हैं और नीचे भी इस तरह से फोल्ड करने के बाद में हम इसमें पहले सिलाई लगाएंगे। थोड़ी सी पट्टी ऊपर एक्स्ट्रा छोड़ दें इस तरह से, और ये हम बीच सेंटर से बनाना शुरू करेंगे। हमें सबसे पहले ऊपर एक पैर का दबाव छोड़ देना है, क्योंकि जो कंधे का दबाव होता है वो हमें उतना छोड़ देना है। अब ये पट्टी इस तरह से फोल्ड करने के बाद में हमें पट्टी को फिर इस तरह से फोल्ड कर लेना है इस तरह से, और नीचे की भी हमें नोक बनाते हुए इस तरह से फोल्ड कर लेना है।
और इसके ऊपर से 20 सेंटर में हमें सिलाई लगाना है। अब यहाँ से हम फिर फोल्ड करेंगे इसे। दोस्तों इस पट्टी में बस फोल्ड करने का ही तरीका सही से आना चाहिए तो ये डिज़ाइन बहुत ही अच्छा बनता है। और अगर पट्टी को आप फोल्ड नहीं कर पाएंगे तो डिज़ाइन में थोड़ी दिक्कत होगी आपको। अब इधर से हमें फिर फोल्ड करना है, नीचे से हमें फिर इस तरह से फोल्ड करना है, फिर हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे, नीचे की तरफ फिर फोल्ड करना है। तो देखिए हमें पट्टी को इस तरह से फोल्ड करके सिलाई पूरे में लगा देनी है। तो दोस्तों इस तरह से हमने बैक का गला बना लिया है। अब हमें नीचे का डिज़ाइन बनाना है। तो जो हमने पैटर्न ये पेस्टिंग में चिपका के रखा है इसे हमें उल्टे की साइड रखना है इस तरह से, और 20 सेंटर मिला के हम पेस्टिंग के बिल्कुल किनारे से सिलाई लगाएंगे। ये दोस्तों सेंटर आउट हमारा नहीं होना चाहिए और ये नोक भी गले से बाहर थोड़ी सी निकालनी है, ज़्यादा नहीं, इस तरह से। तो आप पहले सेंटर मिला लें बीच का, सेंटर ना आउट होने पर इस तरह से। अब एक पैर का दबाव, ये जो हमने पेस्टिंग लगाई है पेस्टिंग के बिल्कुल किनारे से सिलाई लगानी है। तो इस तरह से सिलाई लगाने के बाद में यह यहाँ का हम एक्स्ट्रा मार्जिन कटिंग कर देंगे एक पैर का दबाव रख के, और यहाँ पे हमें इस तरह से कट भी लगा देना है, और यहाँ पे हल्का हल्का इस तरह से कट लगा देंगे। अब हमें यहाँ पे इस तरह से नाखून लगा लेना है या प्रेस से इसे फिनिश करके बिठा लें पहले। अब इस तरह से हम बाहर को पलट लेंगे, नीचे का कमर का आएगा हमारा कुछ इस तरह से। अब इसे हम अच्छी तरह से पहले प्रेस से बिठा लेते हैं। तो हमने अच्छी तरह से इसे प्रेस से इस तरह से बिठा लिया है। अब हमें पहले सबसे पहले एक लब की सिलाई लगानी है ऊपर की तरफ, और उसके बाद में हम लगाएंगे नीचे की तरफ। तो हमने सिलाई ऊपर लगा लिया है, अब हम नीचे लगा लेंगे सिलाई। अब दोस्तों हमें क्या करना है, जैसे हमने ये पट्टी गले में लगाई है इसी तरह से हमें यहाँ पे भी लगा लेना है, लेकिन उससे पहले हम ये नीचे की तरफ लेस लगाएंगे इसमें। ये हमने चौड़ी इसीलिए कटिंग किया था कि ये लेस लगाना है, नहीं हम थोड़ा सा चौड़ी कम कटिंग करते, जैसे हमने गले की कटिंग चौड़ाई कम किया है इसी तरह से करना था हमें। अब इसी तरह से हमें दूसरी साइड भी सिलाई लगा देना है। अब ये लेस लगाने के बाद में अब हमें पट्टी लगाना है इसमें। तो इसमें भी हमें उसी तरह से जैसे हमने गले में लगाया है उसी तरह से हमें यहाँ पे भी लगा लेना है। आप इसमें निशान लगा लें कमर जहाँ तक है, तो उसी हिसाब से हमें यहाँ पे लगाना है। तो हम यहाँ पे पहले इस तरह से सीधी पट्टी लगा देंगे।
तो दोस्तों हमने ये लेस लगा लिया है और ये पट्टी भी हमने लगा लिया है। अब यहाँ पे नीचे हमें इस तरह से एक पैटर्न कटिंग करना है। इसकी जो गोलाई की शेप देंगे हम, यहाँ से कढ़ाई का फ्लावर को इस तरह से हमें लगाना है। इसकी हमें शेप देके इस तरह से पलट लेना है पहले। तो इसमें हम सबसे पहले निशान पे सिलाई लगा लेते हैं। तो हमने इस तरह से सिलाई लगा लिया है। अब इसे हमें यहाँ पे रखना है और अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से इसे हम पलट देंगे। ये नीचे की तरफ हमें नहीं पलटना। और ये सिलाई जहाँ से हमने लगाई है उसी सिलाई पे ही सिलाई लगानी है। अब इसका एक्स्ट्रा मार्जिन हमें कटिंग कर देना है और यहाँ पे भी हमें इस तरह से कट लगा देना है। अब इसे हम पलट देंगे और पलट के हमें लप पे सिलाई लगा देनी है। तो इस तरह से हमने पैटर्न बना लिया नीचे का। अब यहाँ पे हमें इस तरह से रख के अटैच कर देना है। इसका हम बीच सेंटर मिला लेंगे पहले अच्छी तरह से। अब इस तरह से हम बराबर मिला के और लप पे सिलाई लगा देंगे। एक सिलाई और आप यहाँ पे लगा दें, इससे क्या होगा कि नीचे का जो दबाव है बैठ जाएगा सही से। और दोस्तों नीचे का एक्स्ट्रा मार्जिन हमें कटिंग कर देना है। तो दोस्तों इस तरह से हमने डिजाइन को कंप्लीट कर दिया है। देखिए हमने नीचे फ्लावर भी लगा दिया। और दोस्तों ये डिज़ाइन बनाने का तरीका आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों डिज़ाइन अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि जो हम नई वीडियो डालें वो आप तक पहुंचती रहे। तो अगली वीडियो मिलते हैं हम कुछ नया लेके, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।